नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम बातें करेंगे हिचकी मूवी की। हिचकी मूवी रानी मुखर्जी की मूवी, जो कि डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। यस, और वो बहुत ही अच्छी मूवी है। एक क्लास की मूवी बताई गई है, एक स्कूल की, कि कैसे एक एबनॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ जीने की ट्राई करता है और कितनी सारी डिफिकल्टी आती है। बराबरी, लोग बातें तो करते हैं कि हर कोई बराबर होता है, हर कोई एक जैसा होता है, लेकिन शायद कुछ लोग ये भूल जाते हैं और या फिर समझने में देरी कर देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि जो भी एबनॉर्मल या नॉर्मल जो भी इंसान होते हैं, सब गॉड गिफ्टेड होते हैं। हर इंसान एक तरह है, सिर्फ फर्क इतना है कि आपकी नजर कैसी है, आप किस तरह से उस इंसान को देख रहे हो। चाहे वो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल हो, हर इंसान को हक है कि वो अपनी बात आगे रख सके, वो लाइफ में आगे बढ़ सके, लाइफ में सक्सेस कर सके। लेकिन काफी सारे लोग जो हैं वो एबनॉर्मल इंसान को देखते ही या फिर कुछ वैसे एक्टिविटी देखते ही लोग कह देते हैं, अरे यार ये क्या करेगा, अरे यार ये ऐसा है, अरे यार वो वैसा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि लाइफ में सबको बराबर का हक है। आप अपने नजर को चेंज कीजिए, आप अपने बातों को चेंज कीजिए। भगवान ने जिसे भी अगर किसी को भी बनाया है तो एक जैसा ही बनाया है। थोड़ी सी डिफरेंस जरूर होती है, लेकिन उसको बस प्यार से ट्रीट करने की जरूरत है और फिर वो देखिए आपके जैसा ही दिखेगा, आपके जैसा ही हरकतें करेगा। तो ये ऐसा एबनॉर्मल नॉर्मल कुछ भी नहीं होता। इस मूवी से हमें यही सीख मिली है, किस तरह से रानी मुखर्जी ने इस मूवी के बारे में दर्शाया है कि हर इंसान बराबर होता है, बस ट्रीट करने की बात होती है कि आप किस तरह से उसे आगे बढ़ने देते हो। तो बातें करते हैं इस मूवी के बारे में। तो बात करते हैं रानी मुखर्जी की, जिनको टॉरेट सिंड्रोम्स रहता है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या होता है। तो ये वही होता है कि जब आपके ब्रेन्स में पूरे नसल जब एक साथ मैच नहीं करते हैं तो आपको टाइम टाइम पे, यानी कि मिनट मिनट पे आपको शॉक लगता है, यानी कि करंट लगता है। जो रानी मुखर्जी को दिखाया गया, जो भर भर में शिश और वो ऐसे ऐसे पूरी मूवी में करती रहती है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, और बट रानी मुखर्जी को ऑब्वियसली मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था। तो बातें करते हैं, छोटी सी लड़की की कहानी स्टार्ट होती है नैना, जो कि स्कूल में पढ़ती तो है बट उसकी हिचकियों के कारण लोग काफी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, स्कूल के बच्चे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और सब उनका मजाक भी उड़ाते हैं। जब वो 12वीं स्कूल से, यानी कि 12th स्कूल से वो निकाली गई और 13th स्कूल में गई, कि उसकी हिचकी की वजह से वो बार बार निकाली जा रही थी, वहां के प्रिंसिपल ने उससे एक बहुत अच्छी बात बोली कि तुम्हें कोई भी अब ऐसे अब नॉर्मल की तरह ट्रीट नहीं करेगा, नॉर्मल बच्चों के साथ ट्रीट किया जाएगा। और यही सुन के वो खान प्रिंसिपल थे, और खान प्रिंसिपल की बातें सुन के रानी मुखर्जी को टीचर बनने का बहुत था क्रेज। उसने बहुत ट्राई किया, 1918 स्कूल में उन्होंने ट्राई किया बट वो बार बार फेल हो गई, बार बार उनकी हिचकियों के कारण, कि ऐसी टीचर को कौन रखेगा, स्टूडेंट मजाक उड़ाएंगे, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया जा रहा था। लेकिन जब वो 19वें स्कूल में जब उनको बुलाया गया था, और वो उनकी का स्कूल था जहां पे वो उन्होंने पढ़ाई की थी, तो अब यहां से एक अलग कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें रानी मुखर्जी के फैमिली की जो भूमिका थी वो बहुत ही अच्छी भूमिका थी। जो उनकी माँ, उनकी भाई ने उनको सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छा चीज दिखाया गया है पूरी मूवी में, किस तरह से जब फैमिली का एक मेंबर, यानी कि जो उनके पापा थे, वो थोड़ा सपोर्ट नहीं करते थे उसके हिचकियों के कारण, लेकिन बाद में वो भी दिखाया गया कि वो बहुत अच्छे से सुधर भी गया और बहुत अच्छे से सहन गया। अब हम बातें करते हैं आगे की, आगे क्या हुआ था। तो वहां पे उनको जो बुलाया गया था, वो बुलाया गया था कि एक जगह 9th क्लास की कहानी थी, 9th क्लास में एक जगह जहाँ 9th A के बच्चे पूरे टॉपर बच्चे, जहां पे उनको एक बैच दिया जाता था प्रिफेंट का। अब प्रिफेंट में आप बोलोगे कि कौन सा बैच था, तो वो बच्चे जो 90 प्लस लेके आते हैं उनको वो बैच दिया जाता है, वो स्कूल का रूल था। वहीं पे एक और बच्चे 9F जो कि म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ते थे, और वो बहुत सारी कहानियां हुई थी, उनको निकाल दिया गया, वो जमीन जो भी था वो रेंट पे था, उसके बाद जमीन छीन लिया गया, वो प्लेग्राउंड बन गया और वहां के बच्चे वहां आ गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी स्कूल में जाते हो या फिर किसी बड़े जगह पे जाते हो, तो बड़े बच्चे या फिर
जो ऐसे चौल से आते हैं बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वही पूरी चीजें दिखाई गई है, क्योंकि वो बेसिकली चौल से होते हैं और जो भी उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं 9th A के बच्चे अगर आप बोलो तो वो बच्चे बहुत ही हाईफाई होते हैं। तो आप लोगों के साथ भी ये चीजें हुआ होगा कि CBSE स्कूल, बिहार बोर्ड एंड ICSE बोर्ड, और भी बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, तो जो भी बोर्ड्स होते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सब जो बच्चे एक साथ मिलते हैं तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अरे यार तुम तो हिंदी से पढ़ के आए हो, अरे यार तुम तो ICBSE बोर्ड से पढ़ के आए हो, मैं ICSE बोर्ड से पढ़ के आऊँ। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी बहुत जगह हुई होगी, चाहे आप इंजीनियरिंग करने गए हो या कोई भी फील्ड में पढ़ाई करने गए हो, तो वही कहानी यहाँ पे थी। और इसी वजह से वो सारे बच्चे जो भी चौल वाले बच्चे थे, 9F के बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो चुके थे क्योंकि उनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, वो सारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और कोई भी टीचर पढ़ाने को रेडी नहीं था उन बच्चों को। और इसी वजह से ऐसी कहानियां हो गई कि वो बच्चे जब टीचर कोई आता भी था तो वो बच्चे ऐसे ट्रीट करते थे या फिर ऐसी सारी चीजें हरकतें करते थे कि वो टीचर ही खुद पे खुद भाग जाए। ये कहानी हुई रानी मुखर्जी आई वहीं पे, बच्चों ने बेट लगाई, बेट लगा के कि ये एक दिन नहीं टिकेगी, ये एक वीक नहीं टिकेगी, ऐसे ऐसे हुए, बहुत सारी मुश्किलें आई। लेकिन रानी मुखर्जी ने एक चीज बताई कि हमेशा एक बैड स्टूडेंट नहीं होता है, बैड टीचर्स होते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी सीख बताई गई है इस मूवी के थ्रू, और किस तरह से रानी मुखर्जी ने उन बच्चों को पढ़ाया और उन बच्चों को सक्सेसफुल बनाया। लेकिन सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारी रुकावटें आई, और उन रुकावटों की बात करें तो वहां पे एक और टीचर भी था, और वो टीचर जो कि चाहता ही नहीं था कि वो 9A के बच्चों के साथ मिले। लेकिन रानी मुखर्जी ने भी बहुत ही डम के, मुझे तो लाना ही है, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे पेपर के टाइम में पेपर लीक करवा दिए गए, झूठे पेपर दे दिए गए हैं, लेकिन ये कौन किया ये तो आपको मूवी देखने में ही पता चलेगा। तो किस तरह से ये दिखाया गया है कि एक एबनॉर्मल इंसान नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कितनी मुश्किलें करता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, और यही पूरी मूवी की कहानी है। अब बातें करते हैं इस मूवी के किरदार की। तो इस मूवी में बहुत सारे लोग आपको सीरियल के स्टार दिख जाएंगे, बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे जो कि ऑलरेडी सीरियल्स में काम करते हैं, सुपर स्टार, स्टार प्लस सुपर स्टार की खोज के बहुत सारे स्टार आपको दिखेंगे इसमें, जो कि स्टूडेंट की भूमिका में है, और थोड़ा बहुत कहो कि थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है, लेकिन कंपेयर टू अगर आप करो तो नैना यानी कि रानी मुखर्जी और एक दो और टीचर्स की बात करें तो उनको छोड़ के किसी ने भी नहीं की है। बट हाँ, जो भी चौल वाले जो बच्चे थे उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, उनकी एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। आप जो भी बोलो, मूवी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग देखिए, और आप लोगों को रिव्यू में भी हमें कमेंट कीजिए कि आप लोगों को हमारा रिव्यू कैसा लगा, और मूवी देख के भी हमें जरूर बताइएगा, और नहीं भी देखे तो आपको ऑलमोस्ट कहानियां पता चल चुकी है, सो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए, और जिन लोगों ने देख लिया है वो भी बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और हमारा रिव्यू कैसा लगा। सो तब तक के लिए अलविदा, सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय, टेक केयर।